अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज मैं आपको बीफ बिहारी बताऊंगी। पाकिस्तान की ट्रिप में अपनी भतीजी के यहाँ गई थी और उसने ये बनाया था, बहुत मज़े की बनी थी। उसकी रेसिपी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 8 से 9 के करीब हम लोग लाल मिर्च लेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून हम साबुत धनिया लेंगे और 1 टेबल स्पून हम जीरा लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेने के बाद इनको हम फिर पीस लेंगे ठंडा होने पे। ये साइड में रफ हो रहा है, जब तक हम कोशिश करें कि अगर आपको बोटी का बड़ा पीस मिल जाए तो अच्छा है। उसको अच्छी तरह से धो के उसके आप छोटे छोटे पीसेस कर लें और उसको ड्रेन करने के लिए रख दें। तब तक हम दूसरे मसाले, हमारा तैयार होता है यहाँ पे, जब तक हम दूसरे मसाले तैयार करते हैं और बोटी काट कर मैं रेडी रखती हूँ। अच्छा, मैं उसी पॉट में मैरिनेट करूँगी जिसमें मुझे पकाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1/4 कप दही लेंगे और इसी में ही 3 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर ले, मैं जैतून का तेल इस्तेमाल कर रही हूं। अच्छा, अब इसके अंदर में अदरक और लहसुन है 1/1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून, लाल प्याज है 2 टेबल स्पून और गर्म मसाला है 1 टीस्पून। अच्छा, जो हमने मसाला अभी भुना था और उसको मैंने पीस लिया है तो वो भी सब हम इसी में डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। इसी में अब हम गोश्त की बोटी डाल देंगे। मैंने 1 पाउंड लिया हुआ है और इनको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे। इसको 6 से 8 घंटे तक आप रख दें मैरिनेट करके, या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जो आपके लिए आसानी हो। मैं 24 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। 20 हो गए हैं, मैंने इसको निकाल के थोड़ी देर पहले निकाल के रखा था ताकि ये रूम टेम्परेचर हो जाए। अब हम इसके अंदर में थोड़ा सा ऊपर तेल डाल देंगे, इतना कि ये इसको कवर कर ले। इसको ढक के हम इसको पकाएंगे, उस वक्त तक पकाएंगे। पहले जरा तेज चूल्हे पे पका ले, गर्म हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर हम इसको थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एक्स्ट्रा पानी के कुछ भी नहीं डालना, इसमें दही है और इसका खुद का भी पानी निकलेगा। अब इसको ढक देंगे तकरीबन आधा पौना घंटा, में भी 1 घंटा, डिपेंड हमारे गोश्त के ऊपर है कितनी देर लगती है। जैसे ही बोटी गल जाती है तो फिर हम इसको दम देंगे। इसको अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा जोश आया है, देखते हैं। मैं इसको स्लो कर देती हूँ, देखिए अच्छा सा जोश आ गया। इसको स्लो कर देती हूँ, थोड़ा सा लो मीडियम पे रखेंगे। देखिए पानी भी निकल आया इसमें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जरा घुमा सकते हैं ताकि नीचे चिपके नहीं। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा पक जाएगा तो बहुत ही मजे का होगा। माशाल्लाह से बूटी अच्छी तरह से गल रही है। अब हम कोयले को रख देंगे आपके ऊपर ताकि वो अंगारा ज़रा बन जाए और इतनी देर में हम इसको बोटी को इस तरह से मैश कर लेंगे।
गई है अच्छी तरह से। मैं इसको इस तरह से मैश करती हूँ और कोयला तैयार करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से दम देना है। मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें इसको बिल्कुल सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे, साइड में कर लेंगे सारी बोटियों को। कोयला तैयार है और माशाल्लाह ये बोटी बिल्कुल आधे घंटे में तैयार होगी। मैंने सब चख लिया है, नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल बराबर है। आप इस तरह से एलुमिनियम फॉइल लेके इसके बीच में इस तरह से कोयला रख दें और इसके ऊपर आप रेडी रहें। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और इसको ढक देंगे। तो इसमें खुशबू हो जाएगी बारबेक्यू जैसी। फिर इसको नोश फरमाएं गरम गरम। शुक्रिया।